हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। एसजेवीएन लिमिटेड, जिसको सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं, जो आता है जॉइंट वेंचर ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंडर, इसमें कुछ वैकेंसीज निकले हैं। तो इससे पहले कि आपको नए रिक्रूटमेंट के बारे में अभी बताओ, एसजेवीएन के अंडर ही अभी फॉर्म निकले हैं, वो है जूनियर फील्ड इंजीनियर, जूनियर फील्ड ऑफिसर्स और फील्ड ऑफिसर्स के लिए। तीन अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल चुकी है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी एक वैकेंसीज है। वो वैकेंसीज आपको जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है वो रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आपको लिंक मिल जाएगा। सारे फ्रेशर्स के लिए, अगर आपका एमबीए एचआर है, एमबीए फाइनेंस है, या फिर आपका हिंदी में आपका जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो भी एलिजिबिलिटी, उसमें अगर आपका मास्टर इन हिंदी और मास्टर इन इंग्लिश हुआ है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में अगर आपका डिप्लोमा है, फ्रेशर हो, तो भी आप एलिजिबल हो वो रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक करो फ्रेशर्स के लिए। ओके, तो अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है गेट थ्रू। एसजेवीएन में 7 मई निकली थी है। बस ऐसा है कि इसके फॉर्म ऑलरेडी फिलअप करने शुरू हो चुके हैं। इसके जो फील्ड इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज है वो होती है गेट के थ्रू, फिक्स टेन्योर बेसिस है ये। इसकी ऑलरेडी ऑनलाइन लिंक जनरेट हो चुकी है, कल से फॉर्म ऑलरेडी फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको सिर्फ क्लिक करना है और फॉर्म फिलअप करना है। जॉब डिटेल्स, मतलब आपका जो मेन नोटिफिकेशन है वो भी मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सिर्फ क्लिक करना है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये जो गेट थ्रू है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये 2019, 20 और 21 में जिन जिन लोगों ने गेट दिया है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही स्कोर कार्ड के साथ जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स हो, और ओपन में अगर आपके 50% से ज्यादा मार्क्स है 100 में तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई मत करो, सॉरी। ओके, ताकि वैसे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। अगर आपका एससी एसटी है तो 40% से ज्यादा मार्क्स है, मतलब आप 40 से ऊपर मार्क्स है तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज मत करो। ओके, तो ये है आपका, आता है आपका 19, 20 और 21 गेट स्कोर कार्ड। ओके, तो चलते हैं अभी हम मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो ये है आपका मेन नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो ये है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी। इसमें अगर आपके जो भी गेट कोड है तो ही आप एलिजिबल हो। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी वैकेंसी, सिविल के लिए 30 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20 है, 10 मैकेनिकल और 4 है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से आप एक बार चेक कर लो और अप्लाई करो। ओके, द नेक्स्ट चीज है वो है आपका, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्वालिफाइड द सेम विद द 50% मार्क्स, मतलब 50 के ऊपर मार्क्स है तो आप करो अप्लाई, अदरवाइज मत करो। 40% के ऊपर अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज मत करो। सी एस डबल ई, मतलब इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल सिविल, जिसमें ट्रेड आपका पेपर कोड होगा 19, 20 या 21 में, उसमें ज्यादा मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो क्वालिफिकेशन है आपका, जो बोल सकते हैं ग्रेजुएशन, सिविल में होना चाहिए अगर सिविल में अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चलेगा। 50% एग्रीगेट होना चाहिए फॉर एस सी एस टी, बाकियों के लिए 55% एग्रीगेट। इसका जो रिड्यूमिनेशन है, जैसे फिक्स टेन्योर है तो इसका 60,000 है, लेकिन ये फिक्स नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट का प्लेसिंग होगा, जहाँ पे आप प्लेस किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एडिशनल रिड्यूमिनेशन मिलेगा। अगर आप, मतलब आप प्लेस अरुणाचल प्रदेश में होता है एक्सेप्ट ईटानगर और बाकी का एरिया, मतलब 50 किलोमीटर अराउंड द ईटानगर, अगर आप उसके बाहर होते हैं तो आपको 100% ऑफ फिक्स रिनोमिनेशन मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगर आप ईटानगर एंड एरिया विद इन 50 किलोमीटर के अंडर हो तो आपको मिलेगा 50% ऑफ फिक्स रिनोमिनेशन इसका। ओके, और अगर आप जाएंगे तो अपन पावरी एचईपी में हो या फिर देवसारी एचईपी में हो तो आपको 25% ऑफ फिक्स रिनोमिनेशन मिलेगा। तो ये वेरिएबल रिनोमिनेशन है आपके प्लेसिंग के हिसाब से। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 12 आपको कैजुअल लीव मिलेगी, 20 आपको मेडिकल जो सिक लीव बोलते हैं वो मिलेगी। ओके, बाद में टीएडी भी आपको दिया जाएगा जैसे आपका टूर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि गेट के मार्क्स के ऊपर आपका 75% है, ग्रुप डिस्कशन में 10 और पीआई में आपका है 15%। ओके, सीधा सीधा वेटेज उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। यस, और प्लेसमेंट के लिए द एंगेज कैंडिडेट्स कैन बी प्लेस एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, तो आप
उसके लिए रेडी होना चाहिए। 5 साल रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए, 3 साल सिंपल। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका जो टाइम पे, जैसे ये 50% तो आपको पता चल गया है, 50% और 40% बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको क्या मिलेगा, सेकंड क्लास का AC स्लीपर रेल फेयर उनको मिल जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। और आप अप्लाई करते टाइम याद रखो कि ₹600 फीस है, अगर आप जनरल या फिर EWS या फिर OBC के कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। 28, जैसे मैंने बोला, कल से ऑलरेडी शुरू हो चुके फॉर्म भरना, तो 17 तारीख तक फॉर्म भरने। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन, गेट स्कोर ऑफ एनी ऑफ 3 ईयर्स आपको डालना है, तीनों साल का नहीं डालना है, एक ही साल का डालना है जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स है। यहाँ पे आपने उनको उन्होंने यहाँ पे डिटेल में दे दिया। अप्लाई करते टाइम आपको फोटो लगेगा, साइन लगेगा, वो सारी चीजें तो मेरे ख्याल से अभी आपको पता ही है। ओके, तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एप्लीकेशन, जैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। ओके, तो बाकी सारे रिक्रूटमेंट्स के लिए, जो भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।